देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुझे जो करना है वही करना है। नतीजा देख लिया उसका? आज मेरे बच्चों के साथ क्या हो गया तूने देखा? क्या हुआ करण को? प्लीज ऐसे मत करे, प्लीज मेरे करण को कुछ नहीं हो सकता। करण बिल्कुल ठीक है, कहिए ना करण बिल्कुल ठीक है। राखी माँ सुनिए मेरी बात, करण ठीक है ना? मना किया था ना, मना किया था ना, कहा था ना बाहर मत जाना। आज ग्रहण है, क्यों नहीं सुनी हमारी बात? देखा क्या हो गया? हाँ मेरे करण के साथ क्या हो गया? सच में मुझसे गलती हो गई। मुझे सब बड़ों की सुननी चाहिए थी, लेकिन अभी आप मुझे ये बताइए कि करण कहाँ है? करण का कुछ हुआ तो नहीं ना? करण ठीक है ना? आप ऐसे रो रहे हैं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बताओ ना ऋषभ जी, ऋषभ जी। आज मुझे पहली बार लग रहा है कि आप गलत हैं प्रीता जी, और आपको अपनी गलती माननी चाहिए थी। मेरे परिवार की बात माननी चाहिए थी। वो सही नहीं जी। पहली बार ऐसा लग रहा है तुझ पर विश्वास करके गलती की। मुझसे क्या हो गया? मेरा पति कहाँ है? प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए मेरा पति क्या है? मेरा करण का करण कोमा में है, और रुद्राक्ष उसका कोई पता नहीं। तू कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हुआ है, हुआ है ऐसा। चली जाए यहाँ से, वरना मेरा गुस्सा ना हद पार कर देगा। दादी, नहीं, प्लीज, प्लीज कह दीजिए ये सब झूठ है। मॉम बिल्कुल सही कह रही है, चली जाओ यहाँ से। आज करण कोमा में है ना, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं करीना, वो ऐसे मत कहिए, प्लीज ऐसे मत कहिए। मेरे पति, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। ओह गॉड, मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? प्लीज यूं ना बोले। एक बार नहीं, हजार बार बोलूंगी। आज जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तू मेरी बात मान लेती तो शायद ये नौबत नहीं आती आज। मेरा करण कोमा में है, जिंदा तो है लेकिन जिंदगी में नहीं है। सांसें ले रहा है लेकिन होश में नहीं है। कुछ नहीं होगा उसे मम्मा। रुद्र और शौर्य मेरे दोनों बच्चे। हाथ जोड़ रहे हैं आपके, जो करना था कर दिया, चले जाइए प्लीज। जस्ट लीव, हमारे घर को छोड़ के चली जाओ, चली जाओ हमारी जिंदगी से। बख्श तो हमें प्रीता, ऐसे मत बोलो। ये मेरा परिवार है, आप लोग सब मेरा परिवार है, ऐसे मत बोलो। मैं कहाँ जाऊंगी? महेश पापा देखो सब लोग क्या कह रहे हैं, प्लीज पापा बोलिए इन्हें। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं समझते कि ये जो कुछ भी हुआ इसका दुख तुम्हें नहीं है, लेकिन ये दुख की नौबत क्यों आई बेटा? ये परिवार जो इतना दुखी है किस वजह से? सिर्फ तुम्हारी इस नादानी की वजह से। अरे कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, हमेशा तुम ही सही हो ऐसा नहीं होता है। करण आज एक बार फिर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, तुम्हारी वजह से। तुम हमें छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? क्यों करण की जिंदगी को हर बार दांव पे लगाती हो? क्या बदला लेना चाहती हो करण से? हो क्या गया तुम्हें? मैं सबसे कहती रही कि तुम मेरे करण के लिए मानूस हो, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। ना तुम एक अच्छी पत्नी बन पाई, ना एक अच्छी बहू। बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ तुम जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मेरे बच्चे, जाओ, करण, जाओ यहाँ से। मुझे बताओ ना पहले करण कहाँ है? मुझे तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ। मामा, एक बाबी जी, मैं राखी जी, बाबी जी, एक, हट, हट,
सेमी पानी लेके आ। नर्स, मेरा बच्चा कहाँ है? वो उस तरफ। शोर, आजा बेटा, आजा, मम्मा के पास आजा। I'm so sorry. मम्मा आपको छोड़कर चले गए, अब कभी कहीं नहीं जाएंगे, एक पल के लिए नहीं जाएंगे। मम्मा आपको सृष्टि मासी के पास छोड़ देती है और आपके भाई को लेकर आती है, रूद को लेकर आती है। करी ना बुआ, शौर्य कहीं नहीं जाएगा। आप लोगों ने ठीक इतना कुछ सुना दिया, मेरे दी ने कुछ किया भी नहीं था, फिर भी इनको इतना बुरा भला कह दिया आप लोगों ने। किसी ने भी कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, जो भी कहा एकदम सही कहा। आज मेरी फैमिली गलत नहीं है, प्रीता भाभी गलत है, उनसे गलती हुई है सृष्टि। अपनी फैमिली को डिफेंड करने के चक्कर में मेरी दी को गलत ठहराने की जरूरत नहीं है सैमी। क्या कुछ नहीं किया है दी ने आप सब लोगों के लिए, इस लूथरा परिवार के लिए, इस लूथरा खानदान के लिए, और आप लोगों ने ऐसी बेइज्जती की है मेरी दी की। इस घर के कुछ लोगों से ये उम्मीद ही मुझे, लेकिन कुछ लोगों से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ऋषभ जी हाँ, आप तो दी के कितने अच्छे दोस्त थे ना, जब करण जीजू हमें छोड़कर चले गए थे आपने दी का हाथ थामा था ना, उनके साथ ही बनके आपने 5 साल गुजारे हैं उनके साथ, आपने भी दी का साथ नहीं दिया। अरे हम सफर ना सही, दी के साथ ही तो थे ना आप। ऋषभ जी आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि एटलीस्ट आप दी को समझोगे, एटलीस्ट आप उनका साथ दोगे, लेकिन नहीं। और ये बात मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रही है कि आपने दी का साथ नहीं दिया। और डैडी जी, आपने तो दी को बेटी माना था ना, याद है आपको जब आपकी याददाश्त चली गई थी आप व्हील चेयर पे थे, दिन रात दिन एक कर दिए आपकी सेवा में डैडी जी, आपकी दवाइयों से लेकर आपके फिट्स तक सब कुछ, मेरी दी ने आपका इतना ख्याल रखा है, और जब आज मेरी दी को आपकी जरूरत थी आपने उनका साथ नहीं दिया। अरे आपने अपना हाथ रखा था ना हम दोनों पे, हमारे पापा बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन आपने हमें उसाया, प्यार दिया है डैडी जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे बेटी, बेटी से याद आया, बेटी का रिश्ता तो माँ के साथ कुछ ज्यादा ही अनोखा होता है ना। राखी मॉम, आपको पता है ना दी आपको माँ बुलाती है, मेरी माँ सरला माँ के बाद अगर दीने और मैंने किसी को माँ का दर्जा दिया है वो आप है राखी मॉम, आपकी तो बेटियां है ना, और आप दी से कितना प्यार करती है, हमेशा अपने दी को बहू नहीं बेटी माना है, और आज एक माँ ने ही अपनी बेटी का साथ छोड़ दिया। बस तुम्हें हमेशा हमारी गलतियां दिखती है, अपनी बहन की गलती नहीं दिखती, तुम्हारी बहन ने हमारे करण को जीते जी मार दिया, एक जिंदा लाश बना दिया है। अब जब उसका बच्चा खो गया वो तड़प रही है, तो राखी का सोच तू, वो कैसे दिल दिल मर रही होगी, तड़प रही होगी कि उसका बच्चा जिंदा है, सांस ले रहा है, लेकिन कोमा में है पुत्र। अरे पहले एक बार हम खो चुके उसे, दोबारा नहीं खो सकते पुत्र, उसे हम नहीं खो सकते, अपने आप को बड़ी मुश्किल से हमने संभाला, एक बार फिर हो गया ना हम जीते जी मर जाएंगे पुत्र, मर जाएंगे। सृष्टि, जैसे प्रीता भाभी तेरी बहन है ना, अरुण भाई मेरे भाई है, जिन्हें पहले मैं खो चुकी थी, अब कोमा में है मेरे भाई,
मुझे एक बात बता, तू मुझे बस इतना बता, उस दिन जब बातें हो रही थी घर में, उनको मना किया था भाभी को, मत जा, बाहर ग्रहण लगा है, मम्मा ने मामी ने मना किया, तूने सुना ना, भाभी ने जिद की। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं जानती हूँ अब सब बहुत परेशान है, लेकिन सच कहो अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान है तो वो है दो माएं, मैं मेरे करण के लिए और प्रीता उसके दोनों बच्चों के लिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ करना सृष्टि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शायद हम बहुत ज्यादा परेशान है ना, तो मेरी समझ में नहीं आया मैंने क्या कुछ कह दिया प्रीता से, जो शायद मुझे इस जन्म में कभी नहीं कहना था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे ऐसा नहीं बात करना चाहिए था प्रीता के साथ, वो मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं उसे रोकूं। प्रीता, प्रीता, राखी मॉम, सृष्टि, राखी चाची थोड़ी इमोशनल है, लेकिन सच तो है कि इस बार प्रीता भाभी की गलती है। समीर बस करो यार, बस करो। मैं क्या किया भैया, देखो ना, आप कोई कुछ नहीं बोलेगा, देख रहा ना क्या क्या हो रहा है, चुप नहीं रह सकता। मैंने बस ही किया है भैया, मैं क्या करूँ, प्रीता भाभी की गलती है। इसके करे ना बुआ, मैं शौर्य को सृष्टि को दे रही हूँ और मैं रुद्र को ढूंढने जा रही हूँ, मैं मेरे बच्चे को लेकर आऊंगी, मैं रुद्र को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगी। तुम्हें मैं स्टूपिड लगती हूँ कि मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास कर लूं? नहीं, विश्वास करना तो दूर की बात है, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। कैसी माँ हो तुम? हाँ, एक माँ तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है ना, तुमने अपना एक बच्चा खो दिया और दूसरे बच्चे को अपनी उस बेवकूफ बहन को देने वाली हो। मैं शौर्य को किसी को नहीं दूंगी, शौर्य कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे पास रहेगा। ऐसे मत कहिए करीना बुआ, ये मेरा बच्चा है, मुझे दूर मत लेकर जाइए, मुझे दे दीजिए। खबरदार, हाथ मत लगाना शौर्य को, मैं शौर्य को तुम्हें नहीं दूंगी। तुम्हारा खुद का भरोसा नहीं है, कहाँ जाओगी क्या करोगी, शौर्य तुम्हारे साथ रहेगा? नहीं, शौर्य मेरे साथ रहेगा, हमारे साथ लूथरा हाउस में रहेगा, तुम्हारे पास नहीं। अगर जरा सी भी शर्म है ना, जरा सी भी गिल्ट है, तो जाओ, जाके रुद्राक्ष को ढूंढो, पता नहीं वो कहाँ चला गया, कहाँ खो दिया तुमने उसे। अगर एक बार रुद्राक्ष मिल गया ना, तो शायद भगवान तुम्हें एक मौका दे दे माँ बनने का। जाओ जाओ। ऐसे क्या देख रही हो, समझ में नहीं आया क्या बोला मैंने, प्रीता भाभी की गलती है, मतलब प्रीता भाभी की गलती है। समीर रुद्रा, चिल्लाओ मत, सुनाई दे रहा है मुझे, क्या गलती है मेरी दीकी, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन दिलाने के लिए जा रही थी वो, उन्हें सपना आया था कि कुछ अनहोनी हो जाएगी। सिस्टर, यू नो व्हाट दादी, करीना बुआ और कृतिका से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो कभी मेरी दी के साथ अच्छे रहते हैं और कभी बुरे, लेकिन तुम, अरे तुम तो मेरे पति हो, तुमसे तो ये उम्मीद कर सकती हूँ ना कि तुम मुझ पर और मेरी बहन पे विश्वास करोगे। यार तो तुम्हें क्या लगता है कि नहीं, मुझे पता चल गया तुम कैसे हो। कैसे हूँ मैं? तुम इस लूथरा खानदान के थाली के वो बैंगन हो जिसका खुद का कोई स्टैंड या खुद का कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता। अच्छा, जहाँ ये लूथरा खानदान की थाली मुड़ती है ना, जिस दिशा में, उसमें तुम भी मुड़ जाते हो। जब कभी भी हम अरोड़ास को लूथरास की जरूरत पड़ी है ना, तब तुम में से कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया है, तुम या तुम्हारे परिवार में से किसी ने भी हम पे विश्वास नहीं किया है। अरे क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे परिवार के लिए, मेरी दी ने क्या कुछ नहीं किया, इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, सबके लिए इतना कुछ किया इतने सालों से, लेकिन जब
हमें आप लोगों की जरूरत पड़ती है ना, तो आप लोग हमारे साथ नहीं होते, आप लोग हमेशा हमारे खिलाफ होते हैं। इससे एक चीज तो मैं जान चुकी हूं कि लूथरास और अरोड़ास अलग है, कभी एक नहीं हो सकते। आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग है सैमी। हिस्ट्री, तू पागल हो गई है? तू किस घर की बच्ची है? कितना प्यार करते हैं ये सब लोग तुमको? तुझे लगता है कि मैं खड़ा नहीं हुआ तेरी जरूरत में या किसी की भी जरूरत में? क्या लगता है तुझे हम लोग पिताजी को प्यार नहीं करते? हमें दुख नहीं लग रहा? ये तूने सोचा कि हम पर क्या बीतती? तू कैसी बातें कर रही है, छोड़ के जाएगी हमको? ये कितना प्यार करता है तुझसे? तू ये बात मत बोल बेटे, ये बच्चे ये बात मत बोल। हमको दुख हो रहा है। पापा को देख, मम को देख वहां पर। तू कैसे छोड़ के जा सकती है हमको? तू कैसे अलग होने की बात कर सकती है? वो कहीं नहीं जाएगी। I'm sorry, ऋषभ जी। इश्ती? डैडी जी, जो मेरे दी के खिलाफ है ना, मैं उसके खिलाफ हूँ। इश्ती, कोई खिलाफ नहीं है, मेरी बात सुन। और आज आप सब मेरे दी के खिलाफ है। आप लोगों ने उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला है। इश्ती नहीं, इश्ती। आज मैं आप सभी से, यही इसी वक्त और तुमसे ये रिश्ता तोड़ती हूँ। इश्ती, तू पागल हो गई है? इश्ती, इश्ती, जाने दो उसको। एक मिनट रुक, जाने दो उसको भैया। ये ऐसे ही करती है, सही को सही कभी नहीं मानेगी, लेकिन गलत को हमेशा सही समझेगी और दूसरे से भी मनवाएगी। हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तुम्हारी मर्जी। अदे यार, एक चीज की यार, बस बस बस, प्लीज अदे। आपने प्रीति को देखा? क्या वो यहाँ आई थी? मुझे लगा कि वो शौर्य को देखने जरूर यहाँ आई होगी। कहाँ है वो? आई थी पर चली गई। मेरा बच्चा कहाँ है? ऐसा मेरा बच्चा घूम नहीं सकता। मैं खुद जाकर मेरे बच्चे को ढूंढूंगी। अंजलि, हो सकता कि एक्सीडेंट अंजलि ने किया हो। मेरा बच्चा, मैं मेरे बच्चे को लेकर आऊंगी। कोई मेरे बच्चे को मुझे ढूंढ नहीं कर सकता। हाँ, वही होगा मेरा बच्चा, जहाँ हमारा एक्सीडेंट हुआ था। मेरा दोस्तों, जैसे तुमने मुझसे कहा ना कि तुम इस बच्चे को लेकर रहोगी,
ठीक उसी तरह मैं भी यही कहती थी कि मैं अपने करण को हासिल करके रहूंगी, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मुझे बहुत ज्यादा लाइटली लिया। जो मेरी चाहत होती है ना, उसे मैं हासिल करके रहती हूँ, और जो मुझे मेरी चाहत नहीं मिलती ना, तो मैं किसी और को भी मिलने नहीं देती। जानती हो तुम क्या हुआ है? करण अब इस दुनिया में नहीं रहा, मर गया वो। कुछ नहीं हुआ है मेरे पति को, बिल्कुल ठीक है करण। जिंदा नहीं है वो, सिर्फ एक जिंदा लाश है। जिंदा है और एकदम ठीक है। ना तो मेरा अर्जुन रहा और ना ही तुम्हारा करण रहा, वो तो अब आधी अधूरी मौत की नींद में सो रहा है। बस एक बेजान शरीर है जिसके अंदर ना तो कोई फीलिंग्स है, ना कोई रिश्ते है, कुछ भी फील नहीं कर सकता वो। जैसे तुमने मेरे अर्जुन को छीना ना, ठीक उसी तरह मैंने तुमसे तुम्हारे करण को छीन लिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अगर अच्छा फील होना चाहिए तो मुझे अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि तुम तो इस बच्चे के सहारे जी लोगी, तो मुझे भी ना बिल्कुल यही फीलिंग चाहिए। मैं भी ना बच्चे के सहारे जीना चाहती हूँ, तो अब मैं तुम्हारे इस बच्चे को लेकर अपने साथ जा रही हूँ। नहीं, एंड आई एम श्योर ये बच्चा भी गुस्सा बिल्कुल नहीं करेगा। मैं जानती थी कि तुम कोई ना कोई हरकत जरूर करोगे, इसीलिए ना इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया था। Thank you.
सृष्टि, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों और करण का ध्यान पंडित जी, ये लीजिए पूजा का थाल। भाभी, इस घर के कृष्णा के बिना जन्माष्टमी की पूजा कैसे हो सकती? कृतिका बेटा, जाओ शौर्य को जाके बुला दो। कृतिका, शौर्य को मैं ले आती हूँ। दी, वेरी बोना मम्मी जी, हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल्सो। भगवान की कृपा हमेशा तुम पर बनी रहे। शौर्य कहाँ? मम्मी जी, मैं उसी को लेने जा रही थी। जा, बुला उसे। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। जीता रहे पुत्र, तू ना आज भी नहीं बदला। देख, तेरे पॉकेट के फ्लैप्स पॉकेट के अंदर ही रह गए। और सुन, पहले पूजा और ऑफिस का काम बाद में। मेरे प्यारे से मम्मी, मैं तो समझा समझाया हूँ, ऑफिस का काम और भगवान का काम दोनों अलग अलग रखता हूँ। सही कहा तूने, ये हरकतें तो करण करता है ना। मैं भी किन बातों में उलझ गई, मैं तो शौर्य को लेने जा रही थी। महेश, पुत्र पेपर दे। जब तक शौर्य नहीं आता पढ़ती हूँ, देखूँ तो दुनिया में क्या चल रहा है। शौर्य, तूने गाड़ी ठोक दी, तेरे घर की नेम प्लेट गिर गई। व्हाट हैव यू डन यार? लीव इट मैन। कम ऑन, लेट्स गो। लीव इट, शी इज ड्रंक। शी ओके? बाय बाय। I'm okay. Hi. Shorya! Shorya! Shorya!